भरोसा करके और शीर्ष नेतृत्व में भरोसा करके कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार बनाया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी बाड़मेर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं को समझकर पार्टी ने ये निर्णय लिया है। आरएलपी से कांग्रेस पार्टी में आमने सामने रहे लेकिन एकदम से वापस जाने कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी थी, बाड़मेर जिले के 37 कौम के बड़े बुजुर्गों की, युवाओं की, सबकी ये भावना थी। उस भावना को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कांग्रेस में आने का। वैसे हम पुराने पहले से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हनुमान जी ने नई पार्टी बनाई आरएलपी, तब से उनके साथ जुड़े थे और जब तक उनके साथ रहे, ईमानदारी से रहे और ईमानदारी से मजबूती से चुनाव लड़ा। पर वर्तमान समय की ऐसी परिस्थितियाँ थी, देश के अंदर किसान संकट में है और बेरोजगार युवाओं की हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और देश की हालत हर कोने पर ठीक नहीं है। भय और भ्रष्टाचार का माहौल है, ईडी सीबीआई का हर जगह किसी को डंडे का डर रहता है। इस माहौल को देखते हुए वर्तमान के समय में विपक्ष को मजबूत करना हम सब की जवाबदारी है, लोकतंत्र को बचाना हम सब का दायित्व बनता है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया और अभी जो आज का दिन था वो बड़ा शानदार था। युवाओं में, बुजुर्गों में, 36 कौम के लोगों में बड़ा जोश था कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से और पश्चिम राजस्थान से पूरे राजस्थान के अंदर बदलाव लाना है और विशेष तौर के बाड़मेर जैसलमेर सीट है जो कांग्रेस के खाते में जीता के डालेगी, ये जनता ने तय कर लिया है। आज के जोश के देख के ऐसा ही लगा। प्रियंका चौधरी का समर्थन मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल, सभी का, पूरे बाड़मेर के 22 लाख मतदाताओं का समर्थन मिलेगा। आज जो संसदीय क्षेत्र में आप वोट मांगने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे वोट मांगने? मैन किसानों की जो फसल बीमा क्लेम है, कंपनियां प्रीमियम ले गई, हजारों करोड़ों रुपए का प्रीमियम खा गई और क्लेम नाम मात्र का, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। किसान परेशान है, जो किसानों के आय दुगनी करने की बातें कर रहे थे वो अब उस मुद्दे से ही भटक गए कि 2023 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये इनका पहले से आप सुनते हैं। अभी कोई नाम ले रहा है, 23 चला गया, किसी की आय दुगनी हुई है क्या? उसके साथ साथ किसानों को बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। पहले यहाँ कई बड़े नेता है, बड़ी रैलियाँ की थी तो इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को जोड़ने की भी बातें हुई। गुजरात की तरफ पर आम और अंगूर की खेती के सपने भी यहाँ दिखाए लेकिन खाली खोखली बातों के अलावा कुछ नहीं हुआ। और स्थानीय सांसद महोदय द्वारा पिछले 5 साल के अंदर उनका जो कार्यकाल था वो बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए संपूर्ण रूप से निराशापूर्ण साबित हुआ, क्योंकि बाड़मेर को कई बड़े प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली थी, बड़े प्रोजेक्ट आने वाले थे लेकिन इनकी मजबूत पैरवी नहीं करने की वजह से, नहीं तो हमारा एयरपोर्ट बना, नहीं तो जैसलमेर बाड़मेर कंडला रेलवे लाइन की बातें आप सुनते आ रहे थे पिछले 20 साल से, उसके ऊपर एक दिन भी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर मांग तक नहीं रखी। इनसे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है? और खुद अपनी गलतियों की सजा मोदी को नहीं देने का कह के और जनता को पुनः बरगलाने के लिए आ गए हैं। तो जनता सब समझ चुकी है, सब समझदार है और इस बार जो जनता अच्छा निर्णय करेगी और इनको झूठे वादे करने वालों को घर बैठाएगी। तो आप किसको चुनौती मानते हैं इस चुनाव के अंदर? इस चुनाव के अंदर हम तो इधर स्थानीय जो हम मुद्दे हैं, मुद्दों की राजनीति करेंगे। हमारे सामने बाड़मेर की जैसलमेर की जनता से बड़ी कोई चुनौती नहीं है और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि कांग्रेस लाने का। उमेश जी, सबसे बड़ी अभी जो खबर निकल के आ रही है कि आरएलपी का और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, कितनी उम्मीदें बांधोगे? क्योंकि आरएलपी के कुछ कार्यकर्ता आपसे नाराज है कि आपने बिना पूछ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। देखिए, आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन की बात शुरू से ही चल रही थी और वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। मैंने मेरा जो निर्णय लिया वो व्यक्तिगत निर्णय था और नाराजगी की जो बात चल रही है वो कोई किसी में नाराजगी नहीं है, वो बीजेपी की आईटी टीम लगी हुई है, वैसे ही भ्रमक भ्रांतियाँ फैला रही है। बाकी सब लोग इस निर्णय से खुश हैं और बाकी रही गठबंधन की बात, वो शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा और जो उनको अच्छा लगेगा वही करेगा। गठबंधन के बारे में बात करने के लिए मेरी इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। क्या लगता है गठबंधन होता है तो फायदा होगा कहीं ना कहीं आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान को फायदा होगा, सब मिल के लड़ रहे हैं, 1 और 1 11 होते हैं, मिल के लड़ने में सबको फायदा होगा। रविंद्र सिंह से भी सुनने में आया आपकी कुछ बातचीत हुई है, रविंद्र सिंह भी मानस बना रहे हैं निर्दलीय तौर पर, क्या लगता है? देखिए, रविंद्र सिंह एक जुझारू छात्र नेता है
और आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि अपने खुद के दम पर उन्होंने चुनाव जीता और वो अच्छे लड़ाके हैं, संघर्षशील हैं और लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है और नहीं लड़ते हैं तो उनकी मर्जी।